चतरा पुलिस लगातार अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 16 पेटी अवैध शराब जब्त की है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई। छापेमारी में पुलिस ने 384 अवैध शराब के बोतल, मोबाइल सहित कार भी बरामद किया है। चतरा से चौपारण होते हुए बिहार ले जाया जा रहा है। इसी कालोक में मेरे द्वारा एक छापेमारी दल का गठन किया गया। इसके नेतृत्व में यहाँ पे जो पुल है हम लोगों का, इस पुल में एक को रखा गया। उस चेकिंग दल के द्वारा जब देखा गया कि ये गाड़ी वही गाड़ी है जिसका गाड़ी जो सूचना मिला था, जब वो गाड़ी को रोका गया तो रोकने के बाद उसको पहले तो रोकने के लिए बोला गया तो वो रुका नहीं प्रॉपर रूप से, लेकिन कुछ देर आगे जाकर रुका। पुलिस फोर्सली उसको रुकवाई। रुकाने के बाद क्या हुआ कि ड्राइवर क्या किया कि बिना जब चेक करने के लिए उसको गाड़ी खोलने के लिए बोला गया तो चेक करने को छोड़ के वो क्या किया कि गाड़ी छोड़ के वहाँ से फरार हो गया। और जब उसके बाद गाड़ी का चेकिंग किया गया तो उसमें मतलब भारी मात्रा में विदेशी शराब रखा हुआ था। उसमें से एक वीवो कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल भी बरामद हुआ है जो मतलब उसी का चालक का ही था जो गाड़ी चला रहा था, और एक हुंडे कार जिस गाड़ी में रखा हुआ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।